गौर से सुना, मगर ये जो शब्द है ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। संत मत जो है वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जानते जो जिंदगी को गुजारने के लिए है। कोई भी संत किसी को अपने पास नहीं रख सकता, और वो अगर रहेगा भी तो वो गुरु के अवगुण देखेगा, वो गुरु को इंसान समझेगा, और इंसान समझने से वो गिर जाएगा। मैं कुछ कह रहा हूँ बेटा, बात को ध्यान से सुनना। आपने शब्द गाया है, गुरु के पास कैसे रहना है ये भी मैं बता दूंगा कि गुरु के चरणों के पास कैसे रहना है। दाता दयाल जी महाराज, मेरे दादा गुरु जी, जब हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज के दरबार में पहली बार गए तो वो दूर जूतों में बैठ गए, वहाँ दूर में बैठ गए, वहाँ चरणों के पास नहीं गए कि मैं वहाँ बैठे जाके। तो हजूर राय सालग्राम साहब ने जब उनको दृष्टि से देखा, उनको कहा आप आगे आओ, बैठा लिया अपने पास और कहा ये लड़का एक दिन महान राइटर बनेगा। हालांकि मिले थोड़ी थे उनको, नहीं मिले थे, बात समझ गए। और दाता दयाल जी महाराज राय सालग्राम साहब जी महाराज के पास केवल चार बार गए, चार बार, उससे ज्यादा नहीं गए। क्या वो उनके पास रहे? नहीं रहे। ये जो शब्द हैं ये कविता के रूप में लिखने वाला लिखता है, अपने भावना को लिखता है। चरणों के पास रहोगे तो ड्यूटियाँ कैसे करोगे, अपने संसार की ड्यूटियाँ कैसे करोगे? चरणों के पास रहना कैसे है, वो है जैसे स्वामी जी महाराज ने लिखा, दर्शन करे, पहली बात वचन पुन सुने, वचन को सुने, सुन कर नित मन में गुने। कहाँ? घर में बैठकर, उठे ही बैठ के कहना, सुन कर नित मन में गुने, गुन कर ले तुझ सार, उन्हां दी बाणी नु समझे, कद सार तिस करे आहार, उसको अपने जीवन में उतारे, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, कहार करके फिर वो मानसिक रूप से ताकतवर हो जाता है। फिर क्या होगा? जग भव भय सब गए गुआई, फिर कोई भय नहीं रहता। मेरी बात आप समझे, तुम जाके वहां बैठ जाओ लेकिन गुरु की बात को ना सुनो, उस पर चलो नहीं, तो गुरु के चरण ये नहीं है जो गाए गए हैं, ये संसारिक दृष्टि से गाए गए हैं, ये खिंचाव के लिए गाए गए हैं। जैसे लोगों को प्रभावित किया जाता है, गाती है ना दुनिया, बहुत लड़कियां भी गाती हैं बना के अपने शब्द, दसवीं में कामा मेरा सतगुरु किस रस्ते आया, मेरा सतगुरु आ रहा बदला तू छाया कर दे, एक गाने हैं। वो जो माल के कुल है, जो गुरु जिसको माल के कुल माना जाता है, उसको बादल की छाया की जरूरत है क्या? बताइए तो, वो किसी गली से आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ये एक भावनात्मक विचार बनाए हुए हैं लोगों ने, और इससे मानसिक आनंद मिलता है, असलियत नहीं है इन बातों में, असलियत नहीं है। गुरु के चरण तो तुम्हारे अपने अंदर हैं, बाहर नहीं है। बात मेरी समझे, बाहर का वो गुरु पूजनीय हैं, लेकिन वो बाहर का गुरु आपको बताता है कि ये चरण जो हैं ये मेरे शरीर के हैं, जो सतगुरु के चरण हैं वो तुम्हारे अपने अंदर हैं, उसके पास जाने की कोशिश करो, तब तो तुम गुरु के पास हो। अदरवाइज आप गुरु के पास नहीं जा सकते। वो जाओ वो तो दुनियादारी की बात होगी। जैसे बच्चा बाप के पास जाता है खुश हो जाते हैं। अब बात मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये जो संत मत है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो कई दफ़ा ये दुनिया की देखना चाहता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे कुछ लोग ऐसे वीडियो भेज देते हैं, मेरे प्रेमी जो हैं, या मुझे चेक करने के लिए भेज देते हैं कि देखिए बाबा क्या कहता है होशियारपुर वाला, वो वीडियो भेज देते हैं। बात समझे ना?
तो मैं उनको लिख देता हूँ, मैं इस पर कोई विचार नहीं दूंगा, तुम समझो क्या समझना है, मैं किसी के मन को ठेस नहीं लगाता, बात समझ। देखो बात सुनो, पहली बात, संत मत की शिक्षा, संत मत की जो असली शिक्षा है, जिसका उद्देश्य केवल एक है संत मत का, वो उद्देश्य क्या है कि मैं जिस घर से आया हूँ मैं उस घर को वापस चला जाऊँ, ये है संत मत। ठीक है, अब क्या सभी लोग वहाँ जाने के लिए आते हैं मंदिर में, जब सभी लोग किसी गुरु के पास जाते हैं, वो तो ये जाते हैं कि नाम मिल जाए और मरने के बाद क्या होगा, गुरु हमें ले जाएगा, बस कहाँ ले जाएगा किसी ने आकर नहीं बताया, सब झूठ है, कोई गुरु कोई चीज़ लेने नहीं आती है, बात समझ गए। तो दुनिया बड़ी पलेखे में है, इसीलिए स्वामी जी बड़ा आराम से लिख दिया, जग में कोर अंधेरा भारी तन में दम का भंडारा, 200 साल पहले लिख दिया उन्होंने। आज तो अंधेरा क्या, आज तो सूरज ही छिप गया, ज्ञान का सूरज ही छिप गया है। जग में घोर अंधेरा भारी तन में तम का भंडारा, अंदर भी अंधेरा है बाहर भी अंधेरा है, कहाँ जाओगे, भटकोगे, इसीलिए कोई कहीं भागा हुआ, कोई कहीं भागा हुआ, कोई कहीं भागा हुआ, अज्ञान है और कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में बैठने के बाद दो चीज़ों का पता लगा, दुनिया में जीने का भी पता लग गया और दुनिया से पार जाने का भी पता लग गया। संत वो है जो तुम्हारी दुनिया भी बना दे और तुम्हारा दीन भी बना दे। अब सवाल पैदा होता है कि वो कैसे बनेगा, जे मैं बता देता हूँ। दुनिया बनानी चाहते हो तो जो तुम, मुझे नहीं पता तुम नाम क्यों लेने जाते हो, जब नाम किस लिए मांगते हो, जब नाम का क्या तुम करते हो, घोटकर पीते हो, क्या करते हो क्या नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन 27 साल 30 साल के लोग नाम लिए हुए मेरे से बात करते हैं, किसी ने किसी गुरु से नाम लिया, किसी ने किसी गुरु से नाम लिया, किसी ने किसी गुरु से नाम लिया, सब अंधेरे में भटक रहे हैं और अशांत हैं, उम्र चली गई, मेरा कुछ भी नहीं, ना दुनिया बनी ना दीन बना, बात समझ गए। पहली बात, जो नाम है ये नाम को पहले दुनिया ने समझा नहीं कि नाम है क्या। नाम जो असली नाम है, जो असली नाम है उसका सिमरन नहीं किया जा सकता। पहली बात ध्यान से सुन लो, अगर कोई चाहे कि मैं उसका नाम का सिमरन करूं, वो सिमरन नहीं हो सकता, वो सिमरन अपने आप हो रहा है। गगन क्या कह रहा हूं मैं, वो अपने आप हो रहा है। इसलिए कबीर साहब ने लिख दिया क्या, माला जपू ना नाम जपू, ऐसा लिखा है ना, तो फिर क्या, मेरा नाम मुझे भजे तब पाऊं बस राम, वहां तो राम तुम्हें खुद जान करता है। क्या कहा मैंने, वहां तो खुद आवाजें आ रही हैं, तुमने उस आवाज को क्या करना, लेकिन तुम वहां जा नहीं सकते, तो तुम क्या करो, जो भी तुम्हें नाम मिला है उसको क्या समझो, उसको क्या समझो, उसको ये समझो कि ये नाम मेरे गुरु का है। मेरी बात को पकड़ना, मैं दुनिया में रहने की बात पहले बता रहा हूं, ये नाम मेरे गुरु का है जिन्होंने मुझे नाम दिया, और जो मेरे गुरु है वो परम तत्व का अवतार है, वो माल के कुल हैं, वो आदमी नहीं है, वो सब कुछ देने वाले हैं, बात मेरी समझ गए। जब आप उस नाम का सिमरन करेंगे, यहाँ यहाँ सिमरन करेंगे, तो क्या होगा, जैसे तुम लोग घर में किसी चीज़ का नाम लेते हो, किसी भी चीज़ का जो तुमने देखी हुई है उसका नाम लेते हो, तो उसकी शक्ल तुम्हारे सामने आ जाएगी, मेरी बात समझे। जैसे तुम लोग बैठे हो, आप लोग घर में आप यहाँ बैठे हो, मैं किसी चीज़ का नाम ले, मैं लेते तो गोभी का फूल, तो तुम्हारे मन में आएगा कि गोभी फूल कैसा है, आएगा कि नहीं आएगा। मैं कहता हूँ दशहरी आम, वो भी तो मैंने देख लिया, यहीं बैठे हो देख रहे हो ना, आ गया मन में। कोई भी चीज़ जिसका तुम नाम लोगे और अगर आपने उसको देखा हुआ है, उसका रूप आपके सामने
आएगा आएगा आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए जो भी सिमरन तुमने करना है, उस सिमरन के साथ उस गुरु का ध्यान भी करो, और उसको ये मत समझो कि वो आदमी है जहाँ पैदा हुआ और जो ऐसे मर गया या ये हो गया वो हो गया, फिर तुम गलती पर हो। इसलिए मेरे दादा परम दयाल जी महाराज बार बार कहा करते थे कि जो मुझे ये समझते हैं कि मैं फकीर चंद वल्द पंत मस्तराम रहने वाला होशियारपुर रेलवे मंडी का है, तुम पार नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन तुम पार नहीं जा सकोगे। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए संतों ने कहा है कि उस गुरु को, उस जिसने तुम्हें नाम दिया, उसको माल के कुल का रूप समझो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होती जाएगी। इसीलिए सनातन धर्म में ये गुरु का पीछे हट गया, गुरु तो अब सनातन धर्म में रहा नहीं। हालांकि सनातन धर्म ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः, ये कहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी चार गुरुओं का नाम लिया है, आदि गुरु वे नमः, जुगादि गुरु वे नमः, सदगुरु वे नमः, श्री गुरु वे नमः, ये भी वहाँ भी चार गुरु हैं। लेकिन अब लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये गुरु जो कहे गए हैं वो क्या है, वो क्या है। आदि गुरु वे नमः है, ब्रह्म है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज पैदा होती है कोई भी काम करने के लिए, सोचो, ख्याल पैदा होता है, और तो कुछ नहीं होता ना। पहले तुम्हारे अंदर एक ख्याल पैदा होता है, कोई भी काम करोगे तुम्हारे अंदर एक ख्याल पैदा होगा, वो जो ख्याल पैदा हुआ है वो ब्रह्म है। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो, अगर समझ सकते हो तो। वो ब्रह्म है, उस ख्याल से तुमने कोई काम किया, उस ख्याल ने तुम्हारे से कोई काम करवाया जिससे तुम्हें सुख मिला। हो सकता है उस ख्याल से तुम्हें दुख भी मिले, अगर दुख मिला तो वो ख्याल शैतान था, वो नेगेटिव था। अगर वो ख्याल शुद्ध है जिसने तुम्हारे जीवन में खुशी लाई या तुम्हें तरक्की दी या तुम्हें धन दिया या तुम्हें शांति दी, तो वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म का सुख तुमने ले लिया। जब तुम उस ख्याल को भोगते हो, सुख प्राप्त करते हो, उस वक्त तुम विष्णु की गोद में हो। क्या कहा मैंने, मेरी बात समझे। अब कोई भी ख्याल या कोई भी खुशी या कोई भी आनंद सदा नहीं रहता, बदलता रहता है। बात समझ गए? बचपन में हम कुछ और खेल के आनंद लेते थे, बड़े हुए कुछ और खेलना शुरू किया, फिर और बड़े हुए तो फैमिली में आ गए, फिर और आनंद बदल गया, बदल रहा है ना। तो जो चीज़ हमारे मन से पैदा हुई उसको हमने भोग लिया, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाती है। वो क्या है? वो शिव है। क्या कहा मैंने? तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं बाहर हैं? बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अपने अंदर हैं। और वो ख्याल कहाँ से पैदा हुआ? तुम्हारे अंदर से पैदा हुआ। और अंदर से पैदा कैसे हुआ? अगर आपने अपने गुरु को परम तत्व समझा है, माल के कुल समझा है, और उसका सिमरन यहाँ करते हो, ध्यान करते हो, तो तुम्हारे अंदर से अच्छा ही ख्याल आएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर तुम्हारा मन बहुत चंचल है, तुम्हारे मन में अच्छे ख्याल पैदा नहीं होते, हमेशा नेगेटिव ख्याल आते हैं, घटिया ख्याल आते हैं, तो फिर सिमरन किस लिए करो? फिर सिमरन केवल इसलिए करो गुरु का ध्यान करके कि ऐ मालिक, मेरे ये कमज़ोर ख्याल, ये नेगेटिव ख्याल, ये ईर्ष्या के ख्याल, ये द्वेष के ख्याल, ये शत्रुता के ख्याल, ये दुश्मनी के ख्याल, ये सारे खत्म हो जाएं। तो तुम्हारे जो ख्याल आते हैं वो भी बदल जाएंगे कि नाम में इतनी बड़ी ताकत है।
क्योंकि तुमने जहां जपा तो यहां क्या होता है, हमारे हमारे मन की बड़ी गहराई है, बहुत गहराई है। तो जब हम नाम जपोगे धीरे धीरे, यहाँ चोट लगाते जाओगे वो ख्याल निकलते जाएंगे, क्योंकि तुम चाहते हो कि ये ख्याल ना आए, मेरी किसी से ईर्ष्या ना हो, मेरी किसी से दुश्मनी ना हो, मैं किसी को बुरा ना मानूं, सब मेरे जैसे हैं, सब अच्छे हैं। तो ये वो धीरे धीरे सब ख्याल खत्म हो जाएंगे, आप निर्मल हो जाएंगे। ये दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि अगर आपका मन आपको तंग करता है, अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं जो आप नहीं चाहते, तो सिमरन इस ख्याल से करो उस नाम का कि मेरे वो ख्याल आना बंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो बंद हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, तुम दो तरह के ख्याल दूंगा आपको, दो तरह का। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात में तो डेली दुनिया की बात डेली देखता हूँ। आप रात को एक बाल्टी अपने नलके के नीचे रख दो, रख दी, ठीक है, अब वो भर गई, भर ली आपने, छोड़ दिया उसको, भरने के बाद छोड़ दी, फिर छोटा सा उसमें सुराख कर दो, मामूली सा, जिसमें केवल एक ड्रॉप पानी का बाहर आए, मेरी बात समझ रहे हो? तो सुबह तक क्या होगा, बाल्टी खाली हो जाएगी, करके देख लो। वो बाल्टी, वो बर्तन जो रात को भर दिया था, आपने मामूली सा उसमें सुरेख कर दिया, जिसमें केवल एक ड्रॉप बाहर निकलता है, एक ड्रॉप, तो वो खाली हो जाएगी। ऐसे ही हमारा मन है, हर रोज बैठेंगे, हर रोज ऐसा ख्याल करेंगे, ये बाल्टी नहीं गढ़ा है, ये भरा हुआ है, उसमें से धीरे धीरे करके ये हर ख्याल निकलता जाएगा और वो खाली हो जाएगा। बात समझ गए? एक बार। अब दूसरी बात, कि बाल्टी रात को खाली करके रख दो नलके के नीचे, उसको पूरा ना खोलो, केवल इतना खोलो नलके को कि उसका एक ड्रॉप निकले, टप 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 ऐसे गिरता है ना, वो एक एक ड्रॉप गिरने से सुबह उठोगे तो बाल्टी पानी की भरी होगी। क्या कहा मैंने? ऐसे ही तुम्हारा मन है, बाल्टी है, घड़ा है, उसमें हर रोज एक एक ड्रॉप भी नाम का गिरेगा, एक एक ड्रॉप भी गिरेगा, तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो भी बाल्टी, आपकी घड़ा अच्छे विचारों से भर जाएगा। इससे बढ़िया मैं और आपको क्या बताऊं? कितना आसान कर रहा हूं मैं संत मत कर रास्ता, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, ऐसी बात कोई नहीं बताएगा, ये यहाँ ही बताया जाता है बाबा की जगह में, कि पहले मन को साफ करो, खाली कर दो और फिर भर लो। किससे? नाम से ही खाली होगा और नाम से ही वो भरेगा। बात समझ गए? ये नहीं है। अच्छा, दूसरी बात और आपको बताता हूँ। कल एक फोटो आई नौजवान ने, बड़े सुंदर कपड़े डाले, पैंट भी डाली हुई है, कमीज भी डाली हुई है, पैरों में बूट भी डाले हुए हैं, और वो बैठा है ऐसे, और फिर बता रहा है बाबा फकीर की बात के संसाधन में चले जाते हैं, ये हो गया, अंदर हो गया, ये हो गया। वाह रे वाह, मैं तो बड़ा खुश हुआ देख के। मैंने उसको लिखा कि तुमने बूट डाले हुए और कहते मैं समाधि में हूँ। बूट डालकर तो समाधि नहीं लग सकती बच्चा, तुम केवल शो का, इट इज सिंपली ए शो, यू आर सिंपली जो शो इन द शो के मैं समाधि में बैठा हूँ। क्या बात कहा मैंने? नहाओ, कपड़ों को बदलो, ढीले कपड़े डालो, फिर बैठो। बात समझ गए? तब होगा आपका आसन लगेगा, नहीं तो आसन नहीं लगेगा। क्या कहा मैंने? दुनिया ने तो तमाशा बना दिया संत मत को, पब्लिसिटी करते हैं कि हम ऐसा बैठ के वहाँ प्रकाश में चले जाते हैं, हम धुन सुनते हैं, वो बाबा जी बाबा की किताबें चार पढ़ ली तो संती बन के बैठ गए। बात समझ गए मेरी? आप क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मैं लिखा उसके ऊपर, फिर उसने कमेंट किया कि आई एग्री। बात समझ गए? तो क्या होगा,
ऐ इंसान, तू अपनी दुनिया को बनाने के लिए नाम का सिमरन कर। किस नाम का सिमरन कर? जो महापुरुष के मुखारविंद से आपको मिला है। और एक शर्त और लगाता हूँ कि वो नाम हित से दिया गया हो। हित, हित जानते हैं, अंदर से इस ख्याल से दिया जा रहा है कि ये मेरे पास आया है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग नाम लाइन में लेकर देते हैं वो नाम है ही नहीं, वो बिजनेस है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, वो नाम नहीं है, नाम केवल संत देता है और अपनी मौज से देता है। जब मौज होगी वो नाम देगा, वरना वो नाम नहीं देता। यहाँ तो ये है कि बच्चे भी ले गए साथ, लड़की भी ले गए, लड़का भी ले गए, बाबा जी सानू नाम दे दियो, चलो उन्हें भी नाम मिल गया, बच्चा बाबा जी बच्चे ने भी नाम दे दियो, चलो उन्हें भी देता नाम दे। जैसे ना बच्चे होते ना रोते, बाबा जी बच्चा बहुत रोता है, इसको दुकानदार को कहेंगे इसको जरा थोड़ी सी दे दे, आ थोड़ी सी मिठाई दे दे, जा थोड़ी सी पतासे दे दे। ऐसा हाल है हमारे नाम का, तो ये हाल है। क्या कहा मैंने? इसलिए आपकी दुनिया का बदलना लाजमी है, बदलेगी बदलेगी, लेकिन तुम्हारे लिए शर्त मैंने बता दी, अदरवाइज नहीं। टकरे मारते रहो, जो मर्जी करते रहो, कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा अपना काम है, अपना, इसका परिवार से कोई संबंध नहीं है, इसका दुनिया से कोई संबंध नहीं है। अगर तुम आप अपना जीवन बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने लिए एक जगह बनानी पड़ेगी, जहाँ तुम ही बैठो, दूसरा कोई ना बैठे, ये भी कह रहा हूँ। और वो समय एक निश्चित होना चाहिए, निश्चित समय में उठो, नहाओ धो फिर बैठ जाओ। ये नहीं कि उठे और बिस्तरे में बैठ के भजन करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर साहब थे, मेरे ससुर साहब मेरी वाइफ के पति जी, पिताजी, और वो बहुत अच्छे पुरुष थे। मैं आई लव हिम, मैं उसको प्यार करता था। उन्होंने बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम लिया हुआ था, बाबा सावन सिंह जी महाराज, कितनी भाग की बात थी। और उस वक्त नाम देने के लिए कुछ शर्तें होती थी, कुछ शर्तें रखी होती थी, तो उन्होंने कहते ऐसे नाम नहीं देते थे वो। और नाम की तो शर्तें कबीर साहब को पढ़ो आप, कबीर साहब ने बताया है कि उसका अधिकारी कौन है, मगर उनको कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं सुनता। जैसा जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, जितन मर्जी जाओ। अब तो मैंने ये भी सुना कि कुछ ऐसे धर्म भी हैं वो कहते सीधे निरंकार से मिला देंगे, खाओ पियो जो मर्जी करो, लो बता दो। तो पता लगता है हमारे देश में संतों का तो पता लगता है, मैं क्या किसकी बात करूँ। तो वो रात को 2 बजे उठ जाते थे, 2 बजे बताओगे, उन्होंने बैठ जाना रात को 2 बजे बैठ जाना, बिस्तरे में बैठे रहना, और मुझे भी जाग आ जाती थी। कब? जब वो खराटे मारते थे मुझे जाग आ जाने। मैंने एक दिन सुबह पूछा, मैं कहा पापा जी इत्थे बैठो, हाँ काका, मैं कहा तुसी बाबा सावन सिंह जी महाराज तो नाम लिया, बड़े बादशाही हो, पर तुसी 2 बजे उठ के बह जाते, तुसी नाम जपते होंगे, रसिमरन बनता उस वेले, तुसी तो सुते होंगे, खराटे मारते, तुसी मैंने भी जगा देंगे, चुप। हाँ बेटा क्या करें, उन्होंने कहा हुआ कि 2 बजे बैठो, क्या फायदा हुआ 2 बजे बैठने का? एक सिद्धांत है उठने का, जागने का, सोने का। 2.5 घड़ी सूरज के चढ़ने से पहले, उसको प्रभात बोलते हैं, प्रभात बोलते हैं ना, उसमें एक शब्द है गुरबाणी में जिसका नाम है राग भैरवी, सुना है आपने? राग भैरवी उस वक्त गाया जाता है, वो सुबह का शब्द है, उसको सुनो, उस लय में सुनो, उस तर्ज में सुनो, उस जो राग है वो, उस राग को उस राग में गा के देखो, तुम्हारी समाधि लग जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं बात, लेकिन कोई करता है बच्चा, वो ला देंगे लाउड स्पीकर गा देंगे, कोई फायदा नहीं। उस वक्त उठो सुबह, जब चांद, वो जो तारा निकलता है, तारा सुबह का, उस वक्त जागो,
उठो, नहाओ धो, अच्छी तरह से अपने शरीर को हल्का करो, फिर कपड़े पहनो, फिर बैठ जाओ एक जगह बनाकर कि मैंने यही बैठना है हर रोज, वहाँ और कोई ना बैठे। वहाँ की वाइब्रेशन बदल जाएगी, उस जगह की रेडिएशन बदल जाएगी, उस जगह का माहौल बदल जाएगा, उस कमरे का माहौल बदल जाएगा। मेरे को एक सत्संगी का फोन आया, वो मेरे पास आते थे, नाम लिया उनको, व्यास से हैं सत्संगी, सियाने वो सत्संग भी कराते थे अपने, तो वो मेरे पास कभी कभी आ जाते थे मेरे कमरे में। तो जब मकान बनने लगा, मेरे बेटे ने बनाया, तो उनका मुझे फोन आया, कहते महाराज जी वो कमरा ना आपने ढाना, उस कमरे में बड़ी शांति है। मैं क्या नाम लिया उनके, मैं क्या नहीं, वो तो ढाना पड़ा है लेकिन उसकी जगह नया बनेगा। कहते उसमें बड़ी वाइब्रेशन थी क्योंकि मैं वहाँ बैठता था, बात समझ गए ना। एक बंदा और आया मेरे पास, बाहर से आया, वो बैठ गया, कहते मेरे तो ख्याल ही बदल गए। वो कहता आपके कमरे में यहाँ क्या है, मेरे ख्याल ही बदल गए, इसमें कोई खास जगह है ये, कि जहाँ नाम का सिमरन हो और गुरु का ध्यान हो, वो वातावरण बदलेगा बदलेगा बदलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जब वातावरण बदलेगा तो क्या तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा? क्या कहा मैंने? दुनिया नाम ले ली, जबती कोई नहीं है, रात के 12 बजे तक टीवी देखते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, वो क्या कर रहे हैं? नाम का भी बदनामी, नाम का भी उन्होंने मिसयूज किया, वो डबल पापी हैं, वो अपराधी हैं, गुरु को भी धोखा देते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, क्या फायदा उसका? क्या कहा मैंने? इसलिए गुरु की संगत में जाओ, उनकी बात पर चलो तो फायदा, नहीं चलो तो काहे को जाना, अपना भी सब ही आए सदगुरु आगे, दर्शन पकड़ा बचन न लागे, कहो सत्संग से क्या फल पाया, वक्त गया और जन्म गवाया, अपना भी वक्त गवाया और जन्म भी गवाया, क्या कहा मैंने? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। शर्त लगा दी मैंने आपको कि तुम्हें करना क्या है, अगर मानवता मंदिर में आते हो तो मानवता मंदिर की बात सुनो और उस पर चलने की कोशिश करो, नहीं बदले तो मैं बैठा हूँ आपके सामने। बदलेगा जीवन, क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि यहाँ मन को ही बदला जाता है, मन बदल गया तो जीवन बदल जाएगा, मन नहीं बदला तो जीवन नहीं बदलेगा, सीधी बात है। क्या कहा मैंने? नाम सिमरन मन बदलने के लिए है। नाम सिमरन किस लिए है कि तुम नाम सिमरन करने बैठे हो, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, लेकिन तुम्हें अंदर से ही आवाज आएगी किधर मत जा, इतने आ जा, वापस आ जा, करके देखो आपको पता लग जाएगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें बताएगा, तुम्हारे मन को गाइड करने वाला तुम्हारे अंदर तुम्हारा गुरु बैठा है। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि अर्जुन भी तुम्हारे अंदर है और कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है। क्या कहा मैंने? तुमने देखना कि क्या करना है। इसलिए पहली बात तो ये है कि नाम के सिमरन से तुम्हारी जीवन बदलेगा, नाम गुरु का ध्यान करने से तुम्हारा जीवन बदलेगा। जैसे बार बार मैं पिछली दफा भी सत्संग की महिमा में बताया कि भृंगी ने कीड़े का जीवन बदल दिया, कीड़े ने भृंगी को ध्यान किया और भृंगी बन गया। तो गुरु का ध्यान करने वाले में गुरु का क्या असर नहीं आएगा? आएगा, तभी रह नहीं सकते हो। क्या कहा मैंने? इसलिए कि पहली बात आपको दुनिया बनाने की बता दी। अब रही अगली बात, अब पांच नाम दिए जाते हैं, ठीक है, पांच नाम आम सुना है मैंने, पांच नाम दिए जाते हैं। जे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी पांच नाम का जिक्र है, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सतनाम को सबसे ऊंचा माना, कबीर साहब ने भी सतनाम को ऊंचा जाना, कुछ संतों ने सोहंग को ऊंचा माना, सोहंग बहुत आगे जाकर है, सतनाम से नीचे है और सतनाम से नीचे है, सतनाम से ऊपर है, बात समझ गए? सतनाम की जो धुन है वो सतलोक से आती है, सतलोक से आती है, और जो असली और आगे की धुन है
वो अलख अगम से भी आगे आती है, जो असली धुन है वो। उसका जिक्र गुरु नानक साहब ने उस बाणी में नहीं किया, लेकिन वहाँ कह दिया अनहद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। बात समझ गया ना, वो एक जिक्र कर दिया, पूरी बात खोली नहीं, क्योंकि संतों ने समझा के इसको समझने वाले दुनिया में नहीं आए अभी। गुरबाणी को समझना कोई आसान है? गुरबाणी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई उसमें क्या हो उतरा हो तभी उसको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो क्या करना फिर आप लोगों ने? तुम लोग संसार को पहले बनाओ, अपने संसार को पहले बनाओ, और संसार तुम्हारा इन दोनों बातों से बनेगा, सिमरन से और ध्यान से बनेगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर गुरु की मूर्ति पैदा हो गई, फिर कभी ये ख्याल नहीं करना, क्या किसी का बुरा नहीं सोचना, वो बुरा हो जाएगा। फिर क्या करना? सबका भला, सबका भला मांगना है, सुबह भी और रात को भी। ऐ मालिक सबका भला हो, सबको तंदुरुस्ती मिले, सबके घर में शांति रहे, सबको खाने को अच्छी रोटी मिले, सबके घर में प्यार हो, आप एकता हो, ये चीज़ें मांगने वाली हैं। ये मानो मांगो, नामदेव जी ने भी एक शब्द लिखा है कि मुझे एक गाय चाहिए, एक छोटा सा मकान है ना नामदेव जी की वाणी में, उन्होंने भी मांगा है। और कबीर साहब ने कह दिया क्या मांगूं कुछ स्थिर ना रहा ही, मैं क्या मांगूं। जब आदमी वहाँ चल जाता है, उस चीज में चल जाता है, फिर कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगूं कुछ स्थिर ना रहा ही, कोई चीज़ रहने वाली है ही नहीं। जो रहने वाली नहीं उस पर क्यों विश्वास करें? तो रहने वाली कौन सी चीज़ है? अब सवाल पैदा हो गया कि रहने वाली फिर चीज़ है कौन? वो सोचना पड़ेगा। वो सोचा, मैंने सोचा, कब सोचा? जब मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने मुझे कहा कि बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, केवल मन की किताब पढ़ना। जब मन की किताब पढ़ने लगा तो पता चला कि जो कुछ भी मैं दुनिया में देखता हूँ ये बदल रहा है, ये बदल रहा है। तो जो चीज़ बदल रही पर उसको मैं कैसे सत्य मानूँ? वो सत्य नहीं, जो बदल गई फिर नाश हो गई, बदली और फिर खत्म हो गई, फिर उसको मैं क्यों मानूं? फिर आया अंदर और आया, अंदर आया तो देखा कि शरीर बदल रहा है, बदलता है ना शरीर आपका, देखो अपने झांको पीछे को झांको, शरीर बदल रहा है। तो ये बदलता बदलता किधर को जा रहा है? लगता है कि जो बदल रहा है तो जो तो रहेगा नहीं, तो इसको मैं क्यों विश्वास करूं? जब तक इसमें हूँ इसका ख्याल करना है बस, इसको उतना खाने को दो जिससे ये चलता रहे। बात समझ गए? आँखों में भी फर्क पड़ रहा है, कान में भी फर्क पड़ रहा है, बोलने में भी फर्क पड़ रहा है, चलने में भी फर्क पड़ रहा है ना। तो जब हर चीज़ बदल रही है फिर इन पर क्यों विश्वास करें? फिर आगे और गया, फिर इसमें रहता कौन है? मन तो है ही कुछ नहीं, जैसे जो देखता वो ही बन जाता है, जो सुनता है वो बन जाता है, जो खाता है कहता बार बार मिले खाने को, बहुत स्वाद इसका, बहुत स्वाद था। बात समझ गए ना, उस पर भी कंट्रोल हो गया। फिर आगे गए तो आगे क्या रह गया? न शरीर रहा न मन रहा, फिर बाकी क्या रह गया? तुम्हारे अंदर प्रकाश है, वो तुम्हारी आत्मा है ना, सब में है। शरीर सबके एक जैसे नहीं है, मन भी एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। माटी एक अनेक भांति से साजी सजनहार है सब, लेकिन उसमें जो बैठा है वो आत्म स्वरूप जो है वो प्रकाश है। और जो शरीर मन और प्रकाश का भी मालिक है, इन तीनों से आगे भी कोई चीज है, और वो कौन है? वो तुम हो, वो तुम हो। और वो जो तुम हो, प्रकाश उस मन के कुल का रूप नहीं है, प्रकाश उसका चरण है, उस मन के कुल के चरण, उस गुरु के चरण, उस सदगुरु के चरण प्रकाश हैं। वहां रहो, क्या कहा मैंने, वहां मांगो, रहो सदगुरु तेरे चरणों के पास। फिर कहाँ रहोगे?
वहां तो दुनिया ही नहीं है। फिर चिंता किस बात की, फिर कोई फिक्र नहीं, फिर आनंद ही आनंद है। वहां तो वहां की अगर बेनती है तो मैं मानता हूं। अगर ये है कि मैं तुम्हारे पास ही बैठूं और लंगर भी मंदिर का खाऊं, डेरे का खाऊं, तो फिर तो डेरे का लंगर तो ठीक नहीं रहता। मेरे एक प्रोफेसर दो हम इकट्ठे रहे, 12 साल हम इकट्ठा वो पढ़ाए, तो मैंने उसको एक दिन कुदरती टेलीफोन किया, मैंने ऐसे टेलीफोन किया, मैं याद आ गई ना पुरानी दोस्ती, मैं क्या वो लिखते थे कालिदास परवाना, के डी परवाना लिखते थे अपना नाम, मैं क्या परवाना साहब कैसे हो भैया, ओहो हो कमल साहब आपने याद किया, कितनी अच्छी बात है। मैं क्या क्या हुआ, कहता मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, गल को सुनना ध्यान से, क्या हुआ, मैं डेरे चला गया सेवा के लिए, डेरे चला गया सेवा के लिए, कई दिन रहा वहाँ, रोटी भी खाई, लंगर खाते रहे और बार बार जाते थे, हर साल में कभी गए कभी गए कभी गए, जाते रहते ना सेवा में, तो मेरे अंदर कब्ज हो गई बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत तकलीफ हुई। जब चक्कर आया तो मेरी अंतड़ियों में कैंसर हो गया। मैं चंडीगढ़ जाता हूँ महीने में और मेरा कीमोथेरेपी होता है, 3 दिन वहाँ रहता हूँ। क्या फायदा हुआ इस सेवा का, ये कौन सी सेवा हुई, काहे की सेवा हुई, किस गुरु की सेवा हुई, बताइए मुझे जरा, मैं बड़े दर्द से कह रहा हूं, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा बड़ा प्यारा था वो लड़का, बात मेरी समझ गए। अब क्या हाल है उसका, मैंने उसको कहा जब कभी आप चंडीगढ़ जाते हो तो ऊना से होकर जाते हो भैया, एक रात मेरे पास काट लिया करो। कहते वहां का जो टाइम है वो कभी रात को 1 बजे खत्म होता है कीमोथेरेपी, कभी 12 बजे खत्म होती है, तो भी सीधा घर आने की इच्छा होती है, आके आराम करूंगा, फिर 4 दिन उठा नहीं जाता। ये कौन सी सेवा हुई, बताइए मेरी बात, बात मेरी समझ गए। फिर चरणों के पास रहने से क्या फायदा हुआ, वो कौन से गुरु के चरण हुए, वो नहीं है चरण, चरण वो है जो मैंने आपको बताए, वहां जाने की कोशिश करो, वहां 5 मिनट भी चले जाओ, 2 मिनट भी चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें सुख आएगा, तुम्हारी जिंदगी में आनंद आएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन तुम तो सत्संग में भी आते हो कि दुनिया के लिए आते हो, दुनिया मांगते हो, अरे दुनिया मत मांगो, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, मैं क्या कह रहा हूं, तुम गुरु के पास जाओ, गुरु को मांग लो, दुनिया ना मांगो, दुनिया तुम्हारे पास आ जाएगी। बुजुर्गों ने कहा हुआ है, बुजुर्गों ने कहा कि तुम अगर अपने साये से दौड़ोगे ना, साये से, साये तुम्हारा पीछे चल जाएगा पीछे जाता है ना, तो अगर साये के पीछे दौड़ोगे तो साया तुम्हारे आगे अपने आप आ जाएगा। बहुत ऊंची बात कह दी मैंने गगन, साया तुम्हारे आगे आ जाएगा, साये से भागोगे तो साया तुम्हारे से दूर चला जाएगा, वो पीछे को भाग जाएगा। क्या कहा मैंने, ऐसे ही गुरु की संगत, गुरु गुरु है, गुरु पार ब्रह्म है, गुरु पार ब्रह्म क्या है, गुरु प्रकाश है, चरण प्रकाश है, वहां जाओ, वहां जाकर बैठो, वहां जाओगे तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को, मगर तुम तो नाम ही नहीं जपते, नाम ही नहीं जपता कोई, क्या कहूं मैं आपको, नाम भी ले लिया, गुरु भी रख लिया, फिर भी क्या कहूं, देवियों की पूजा हो रही है, देवताओं की पूजा हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि सबका खंडन है। तुलसीदास ने भी खंडन कर दिया, कल केवल एक नाम आधारा, तुलसीदास कल केवल एक नाम आधारा, शास्त्र स्मृति संत मत सारा, यही कारण।
उसमें भी यही लिखा हुआ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने भी नाम की महिमा है, कहीं नहीं लिखा कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। ये तो दुकानें बन गई, दुकानें खुल गई कि आ जाओ हम तुम्हारा ये रोग दूर कर देंगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे जहाँ संत मत है वहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात साक्षात है। क्या प्रकाश साक्षात है ये देखो। और फिर उससे आगे क्या है साक्षात शब्द, वो गुरु है। वो कहाँ से आता है? वो ऊपर से आता है। वो तुम नहीं जपते हो, तुम नहीं उसका सिमरन करते, वो तुम्हारा सिमरन करता है। और इससे परे मैं क्या कहूँ आपको, मैंने सारी बात खोल दी। वहाँ तो नाम की धुन अपने आप बज रही है। जब गुरु दया, जब दया गुरु की हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई, सब दुर्मति जाती रही। जब गुरु के चरणों की भक्ति मिल गई, जब गुरु के चरणों की भक्ति मिल जाती है फिर सब दुर्मति दूर हो जाती है, वहाँ कोई कमी नहीं रहती। तो मैंने आज आपको बहुत कुछ कह दिया है थोड़े में, क्योंकि मैंने यार जल्दी जाना है वापस, कोई घर में मेरे मेहमान आ रहे हैं। मैं दो बातें आपको बता दी, सिमरन और ध्यान। केवल सिमरन करो और गुरु का ध्यान करो, तुम्हारे सब मनोकामना पूरी होगी। लेकिन सबका भला मांगना है, बुरा किसी का नहीं मांगना। इसलिए सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।